आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ी चावल की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये जो कढ़ी बनने वाली है ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसका जो तड़का है, इसका जो बनाने का तरीका है वो शायद आपको डिफरेंट लगे, बट इसका टेस्ट एकदम लाजवाब आता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ और उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन के, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल ज़रा सा 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। ये एक सीक्रेट टिप थी। और इसके साथ ही साथ मैं ये थोड़ा सा दही, थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी काली मिर्च, हम इसमें ज़रा ज़रा सा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़ने पाए। बेकिंग पाउडर डालने से बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं और अंदर से उसमें बबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो बेसन को हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट करा देंगे और उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और अपनी पकौड़ियाँ धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जब लोग बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं तो उसमें पकौड़ियाँ अच्छे से सिक नहीं पाती हैं और उसमें एक पूंछ जैसी बन जाती है। और देखिए यहाँ पर कितनी छोटी छोटी गोल गोल सी बिल्कुल पकौड़े बने हैं, ज़रा भी उसका शेप ख़राब नहीं हुआ है। तो ये है सेकेंड टिप। फर्स्ट टिप थी कि आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें और सेकंड टिप है कि कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पकौड़ियाँ तलते समय हम तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे जिससे कि पकौड़ियाँ एकदम से लाल ना हो जाएं, आराम आराम से सिकें। तो इससे ऐसा होगा कि पकौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएंगी, नहीं तो ऐसा होता है कि ऊपर से तो पकौड़ियाँ सिक जाती हैं पर अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पर हम आँच को धीमा ही रखेंगे। पकौड़े डालते समय एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पकौड़े तेल में डालते समय ऊपर उठ के आ रहे हैं या नहीं। अगर वो डूब जाते हैं इसका मतलब है कि आपके पकौड़े में हवा नहीं है, बेसन अच्छे से फूला नहीं है और इस वजह से वो फिर बाद में हार्ड बनेंगे। और लेकिन यहाँ पे देखिए पकौड़ों के अंदर काफ़ी एयर ट्रैप्ड है और उसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो पकौड़े रेडी हो गए, अब हम कढ़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बेसन का लिया है और उसमें 1 बड़ी कटोरी दही डाली है, साथ ही साथ 1 गिलास छाछ डाला है। और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें इक्वल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है तो अभी मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, बाकी पानी मैं कढ़ाई में डालूँगी। तो इधर मैंने कढ़ाई में बहुत ज़रा सा सरसों का तेल डाला है, साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सौंफ और धनिया। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हींग, थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, और इन सबको हम अच्छे से चला के, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ता, थोड़ी सी हमें चाहिए सूखी लाल मिर्चें, ज़रा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और इनको हम चला देंगे। अब इस समय हमें आंच को एकदम स्लो रखना है जिससे कि ये मसाले जले नहीं, और जब ये हल्की सी भुन जाएंगे तो हम इसमें जो कढ़ी रेडी किए थे छाछ, दही और बेसन मिक्स करके वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमें क्या करना है कि गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी और फिर कढ़ी में स्मेल आ जाएगी, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ी में हल्का हल्का उबाला सा आ गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और स्लो कर देंगे गैस को और इसमें धीमे धीमे इसको पकने देंगे। कढ़ी का नाम ही कढ़ी इसलिए है क्योंकि इसे हमें काढ़ना होता है। तो जब ये अच्छे से बॉयल हो गई है तो अब हम इसमें अपनी पकौड़े डाल दे रहे हैं।
अब इसे बिल्कुल आंच को धीमा करके हमें 5 मिनट और पकाना है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, तो इसमें ये जो झाग हैं ऊपर के, ये सब गायब हो जाएंगे और कढ़ी में एक शाइन जैसी आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कढ़ी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो गई है। और इसे थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमारी यहाँ पे कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब हम इसको एक तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल के, उसमें राई और लाल मिर्च डाल के एक तड़का तैयार कर लेंगे, और इसे हम अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो बस हमारी कढ़ी एकदम परफेक्ट रेडी है। और यहाँ पे मैं आपको इसे काट के दिखा रही हूँ, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और पकौड़ों ने अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया है कढ़ी को। ये देखिए हाथ से कैसे टूट रही है ये, बहुत ही आराम से। तो ये हमारी बहुत ही स्पेशल अमेजिंग सी कढ़ी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कढ़ी बनाएंगे, आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और वो सबको बहुत पसंद आने वाली है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।